कला मूवी की कहानी एक लड़की के बारे में है जो सिंगर बनना चाहती है, लेकिन उसकी माँ का ये सोचना है कि एक लड़की कभी सिंगर नहीं बन सकती। इसीलिए वो एक लड़के को अपने घर पे ले आती है और अपना सारा टाइम उस पे फोकस करती है ताकि वो लड़का बड़ा होकर सिंगर बने, उसकी बेटी नहीं। लेकिन उस लड़की पर एक गायक बनने का जुनून सवार है, तो आखिर वो लड़की क्या करती है ये जानेंगे हम आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की कला से मिलते हैं जो बहुत ही अच्छी सिंगर है, और कला को गोल्डन विनाइल नाम के एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है जो कि बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रेस उसे मिलने के लिए आती है और वो फीमेल फोटोग्राफर को सामने बुलाकर अपना फोटो खिंचवाती है। कला बहुत खुश है और वो कहती है कि उसकी माँ की भी यही इच्छा थी कि वो बड़ी होकर एक बड़ी सिंगर बने, और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उसने ये मुकाम हासिल कर लिया है। एक रिपोर्टर पूछता है कि आपका एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काफी गहरा रिश्ता है, जिस पर कला बात को टालते हुए कहती है कि वो आगे किसके साथ काम करने वाली है। फिर एक रिपोर्टर पूछता है कि 9 साल पहले आपकी माँ उर्मिला अपने बेटे को लॉन्च करने वाली थी, जिस पर कला घबराने लगती है और वो कहती है कि मेरे माँ का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ मैं हूँ। इसके बाद फ्लैशबैक में हिमाचल प्रदेश के बर्फीले जगह पर एक घर को देखते हैं, जहाँ हम उर्मिला को देखते हैं और वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। एक होती है कला और दूसरा होता है एक लड़का जो बच नहीं पाया। इस बात से उर्मिला काफी दुखी होती है कि उसका बेटा मर गया जबकि उसकी बेटी सही सलामत है। इसलिए उर्मिला अपनी बेटी को मारने का सोचती है लेकिन ऐसा नहीं करती। कुछ साल के बाद हम कला को देखते हैं जो बड़ी हो गई है, और उर्मिला अपनी बेटी को गाने का इंस्ट्रूमेंट सौंपती है और उसे कहती है कि अब परिवार के विरासत तुम आगे ले जाने वाली हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने नाम के आगे पंडित लगाना होगा, अपने नाम के बाद बाई नहीं। यानी कि अगर कला को अपने सपनों को जीना है तो उसे लड़कों की तरह जीना होगा। प्रेजेंट में कला सुबह उठती है और अखबार में उसका प्राइम मिनिस्टर के साथ एक फोटो भी छपा है। कला को खुश होना चाहिए लेकिन वो दुखी है क्योंकि उसकी माँ अभी तक उसे फोन नहीं की। कला फोन उठाकर नाटक करती है कि वो अपनी माँ से बात कर रही है, बस अपने दिल को शांत रखने के लिए। कला एक फोटोशूट करती है लेकिन उसके बाद वो एक लड़के को हलूसिनेट करती है जिसका नाम जगन है, जो कला से कहता है कि तुमने जो कुछ भी पाया है वो मेरा है। इस सब से कला बहुत डर जाती है और डॉक्टर बैनर्जी के चेक करने पर कला बताती है कि मुझे फिजिकली कुछ नहीं हुआ है। वो अंदर से महसूस करती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है। डॉक्टर बैनर्जी को लगता है कि कला बस थक गई है, इतना फेम पाने के बाद लोग थोड़ा घबरा ही जाते हैं। लेकिन कला कहती है कि आप मुझे बस नींद की गोली दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर बैनर्जी उसे कहते हैं कि आप उसके बिना ही सोने की कोशिश कीजिए। फ्लैशबैक में उर्मिला कला को ठीक से ना गाते हुए देखकर उसे डांटती है कि तुम उस्तादों के साथ गाना गाने वाली हो लेकिन तुम गाने के बेसिक्स को भी समझ नहीं पाई हो, और वो अपनी बेटी को सजा देने के लिए वो उसे दिन भर रात भर के लिए बाहर ठंड में छोड़ देती है। अगले दिन कला पहुंचती है सोलन गाना गाने के लिए, और वहां उर्मिला एक उस्ताद से मिलती है जो बताता है कि एक लड़का जगन भी आज गाना गाने वाला है जो अनाथ है और वो गुरुद्वारा में पला बड़ा है। कला उस्ताद के सामने गाना गाती है और उस्ताद उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे गले की मिठास बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। इसके बाद बारी आती है उस अनाथ लड़के जगन की, और वो जैसे ही गाना शुरू करता है उर्मिला उसकी आवाज में बिल्कुल खो जाती है। ये देखकर कला को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत जलन फील करती है। उस्ताद दोनों के गाने की तारीफ करते हैं लेकिन लगता है उर्मिला को उस लड़के का आवाज कुछ ज्यादा ही भा गया। वो उदास होकर कहती है कि मेरी बेटी मेरे पति की तरह एक पंडित नहीं बन पाएगी और वो लड़का बन सकता है, जिस पर उस्ताद कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और एक दिन उर्मिला अपने घर उसी लड़के को ले आती है, जिसे देखकर कला तो गुस्से में पागल हो जाती है। जगन और कला एक दूसरे से बात करते हैं और कला को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाहर जाने की वजह से उस लड़के को बुखार हो जाता है। उर्मिला उसकी देखभाल करती है जो कला को बिल्कुल पसंद नहीं आता। प्रेजेंट में कला एक स्टूडियो में जाती है जहां वो मजनूर और नसीबा आपा के साथ गाना प्रैक्टिस करती है, जहां उसे एक फिल्म डायरेक्टर मिस्टर राय मिलने आता है जो उसे कहता है कि तुम अपने साथ एक मेल सेक्रेटरी क्यों नहीं रख लेती, क्योंकि कला के साथ एक फीमेल सेक्रेटरी होती है जिसका नाम सुधा है, जिस पर कला कहती है कि सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी होती है, उसके आगे मेल या फीमेल लगाना जरूरी है क्या। इसके बाद सबको न्यूज़पेपर से पता चलता है कि मिस्टर सन्याल मर चुका है, और एक रेडियो शो में कला से पूछा जाता है कि आप इतनी बड़ी सिंगर बन गई लेकिन आपने फिर भी कभी मिस्टर सन्याल के साथ गाना नहीं गाया, जिस पर कला कहती है कि मुझे ऐसा किस्मत नसीब ही नहीं हुआ। फ्लैशबैक में हम कला को उसकी माँ के साथ और जगत के साथ देखते हैं, और उनके साथ मिस्टर सन्याल भी होते हैं, और कला देख रही है कि कैसे उसकी माँ उसे दूर चली जा रही है,
और उसे तो अपनी बेटी की टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। इस बात से कला बहुत गुस्से में रहती है और वो जगन को दूध देती है पीने के लिए, और वो जगन के कहने पर भी उसके साथ गाने की प्रैक्टिस नहीं करती। कला अपनी माँ को देखती है मिस्टर सन्याल के साथ रोमांटिक होते हुए, और वो जगन के साथ बात करते हुए सोचती है कि आखिर उसकी माँ मिस्टर सन्याल के साथ ऐसी हरकत क्यों कर रही है, जिस पर जगन कहता है मेरे लिए, क्योंकि उर्मिला चाहती है कि जगन मिस्टर सन्याल के साथ काम करे। जिस पर कला कहती है कि मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं भी गाने के दम पर कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं अपनी माँ के लिए एक अवार्ड जीतना चाहती हूँ। अब अगले दिन कला से मिलने के लिए रानी मंदिरा और उसका बेटा देवेंद्र आता है, जो एयरफोर्स में है। उर्मिला अपनी बेटी की शादी देवेंद्र से करवाना चाहती है ताकि वो आराम से जगन पर फोकस कर पाए, ताकि आगे चलकर जगन एक बहुत बड़ा सिंगर बन पाए उसके पति की तरह। कला ये सब से बिल्कुल हैरान हो जाती है कि उसकी माँ उसके साथ ऐसे कर सकती है। कला अपनी माँ से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो भी सिंगर बनना चाहती है और वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि बेटी को घर छोड़ना पड़ता है, जबकि बेटा अपनी माँ के साथ रह सकता है। लेकिन कला अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और वो कहती है तो मैं जगन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, ताकि उसे अपनी माँ को छोड़कर जाना ना पड़े। उर्मिला शॉक्ड हो जाती है और कहती है जगन तुम्हारा भाई है, तुम अपनी भाई के साथ शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। उनके घर में एक पार्टी होता है जिसमें जगन गाना गाने वाला है, इसलिए उर्मिला अपनी बेटी से कहती है कि जाओ जगन के लिए गर्म दूध लेकर जाओ। कला दूध लेकर आ रही होती है और उसे मिस्टर सन्याल मिलता है। कला उसे कहती है कि मैं भी गाना गाना चाहती हूँ, और वो मिस्टर सन्याल को रिझाने तक की कोशिश करती है अपनी माँ की तरह। वो सन्याल से कहती है कि जगन तुम्हें एक दिन रिप्लेस कर देगा, लोग तुम्हें भूल जाएंगे, जिस पर सन्याल कहता है कि ऐसा ही तो होता है, मैंने किसी को रिप्लेस किया था और जगन मुझे रिप्लेस करेगा, लेकिन संगीत ये चलता रहेगा। जगन का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, लेकिन अचानक गाना गाने के बीच में ही वो जोर जोर से खांसने लगता है, और उर्मिला देखती है कि उसे तेज बुखार भी है, और वो उसे अंदर लेकर चली जाती है। लेकिन सन्याल कहता है कि अब गेस्ट का करना क्या है, जिस पर उर्मिला कहती है उन्हें वापस भेज दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी दोनों एक आवाज़ सुनते हैं जो कला के गाना गाने की आवाज़ है, जिसे सुनकर गेस्ट काफ़ी खुश होते हैं। दिन पर दिन जगन की हालत ख़राब होते जाती है और वो गाना गाने लायक भी नहीं रहा, और इस हालत के लिए कला को पछतावा भी नहीं है। कुछ दिन के बाद उस गेस्ट में से एक सुमंत कुमार, जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी है, वो जगन से मिलने के लिए आता है, और वो कहता है कि एक ना एक दिन तुम्हारी आवाज़ ज़रूर वापस आ जाएगी और तुम अपना पहला गाना मेरे लिए गाना। लेकिन पता नहीं क्यों कला बीच में कहती है कि आपको आज रात हमारे यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बाहर का मौसम बहुत खराब है, और उर्मिला भी ना चाहते हुए सुमंत को रुकने के लिए बोलती है। अब आधी रात में कला उस आदमी को रिझाने की कोशिश करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, लेकिन वो बुरी तरह घबराई हुई है। रात में कला जगन से मिलती है और वो कला से रोते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ टूट सा गया है, और वो पता नहीं क्यों कला से कहता है कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन जब सुमंत कुमार जाने वाला होता है तो वो कला से कहता है कि 3 दिन में तुम्हारी रिकॉर्डिंग है मेरे साथ, यानी कि रिझाने का फायदा उसे मिल गया। सुमंत उर्मिला से कहता है कि आपकी बेटी की आवाज़ बिल्कुल कोयल जैसी है। उर्मिला सब कुछ समझ रही है कि आखिर कला कर क्या रही है, और उस आदमी के जाने के बाद वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम सच में कोयल ही हो, क्योंकि तुम दूसरों का घोंसला हड़प लेती हो। कला जगन के रूम में जाती है, लेकिन देखती है वो अपने कमरे में नहीं है। वो भागते हुए बाहर आती है, जहाँ वो जगन को देखती है जो अब नहीं रहा। ये देखकर उर्मिला भी बिल्कुल टूट जाती है। प्रेजेंट में सुमंत कुमार कला से मिलने के लिए आता है और उसके सेक्रेटरी सुधा से मिलता है, और वो बस उर्मिला के साथ एक गाना करना चाहता है किसी तरह, अगर कला के पास डेट्स हो तब, क्योंकि कला अब बहुत बड़ी सिंगर जो बन चुकी है। सुधा कला को बाथरूम में ढूंढती है, लेकिन कला अभी अपने होश में तो है ही नहीं, और इसीलिए म्यूजिक डायरेक्टर वहां से चला जाता है। अब इतने सालों के बाद कला अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उर्मिला बिना कोई परवाह करते हुए फ़ोन काट देती है। वो अपनी बेटी की बात सुनती भी नहीं। कला को लिफ्ट में सुमंत मिलता है, जो गुस्से में कहता है कि कला उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि कला आज जो भी है वो सिर्फ उसके वजह से है। वो तो जगन को चांस देने के लिए घर आया था, और अगर जगन ने अपनी आवाज़ नहीं खोई होती तो आज कला की जगह जगन होता। फ्लैशबैक में जगन का फ्यूनरल होने के बाद कला अपनी माँ से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे रिकॉर्डिंग के लिए कलकत्ता जाना होगा। उर्मिला कहती है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। कला अपनी माँ से कहती है कि आपने घर को संभालने के लिए गाना गाना छोड़ दिया, आप उस बात का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हैं।
लेकिन इसका कोई जवाब ना देते हुए उर्मिला वहां से चली जाती है। कला आखिरकार पहुंचती है कलकत्ता अपनी पहली रिकॉर्डिंग के लिए। वो वहां बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि ये उसका पहला रिकॉर्डिंग है। उसकी माँ भी उसे बात नहीं कर रही, इस वजह से उसका परफॉर्मेंस काफी अफेक्ट होता है बुरे तरीके से। और सुमंत उसे बार बार टोकते रहता है। वो सुमंत से बात करते हुए कहती है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए क्योंकि आपको पता है मैं घर वापस नहीं जा सकती। और सुमंत उसे लास्ट चांस देने के लिए मान जाता है। कला याद करती है उस दिन को जब वो जगन से कही थी कि वो अपनी माँ के लिए अवार्ड जीत कर आएगी। फिर कला कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाती है और अपना बेस्ट देती है और उसका गाना फिल्म में भी इंक्लूड किया जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। और एक दिन कला से मिलने के लिए एक सिंगर आती है जिसका नाम है नसीबा नापा, जो कला के गाने की बहुत तारीफ करती है और उसे एक सलाह देती है कि तुम्हें अब सेक्रेटरी रख लेना चाहिए। और देखते हैं कि सुमंत कला का फायदा उठाता है, यहाँ तक कि उसका सारा अवार्ड्स वो अपने पास ही रखता है। मजनूर कला से कहता है कि एक दिन तुम्हारा भी टाइम आएगा और अब वो दिन दूर नहीं जब रिपोर्टर्स उसके पीछे नहीं तुम्हारे पीछे भागेंगे। प्रेजेंट में कला रिपोर्टर से बचकर भाग रही होती है, तभी वो जगन को हलूसिनेट करती है। वो उसे पूछती है कि तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया। रिपोर्टर्स ये सब सुन रहे होते हैं। जगन कला से पूछता है अब तुम खुश हो। कला सिर हिलाकर ना कहती है क्योंकि वो अभी भी अपनी माँ के साथ नहीं रहती। अपने पास्ट के वजह से कला दिन पर दिन मेंटली अनस्टेबल होते जा रही है। वो होश में कभी नहीं रहती। इस बात से सभी परेशान हो जाते हैं, क्या कला गाना गाने की हालत में तो है। स्टूडियो में कला हलूसिनेट करती है कि स्टूडियो में बर्फ पड़ रही है और वो कुछ भी सुन नहीं पा रही और वो कुछ भी नहीं देख पा रही। अचानक से वो अपने अतीत को याद करते हुए बहुत घबरा जाती है। सुधा और नसीबा नापा उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन कला कुछ कहती ही नहीं। वो वहां से भाग जाती है। और एक दिन उर्मिला अपने घर में रेडियो में अपनी बेटी कला की आवाज सुनती है, जो उस इंटरव्यू का है जहां वो जगन को हलूसिनेट कर रही होती है। और उर्मिला को सच पता चल जाता है कि जगन के साथ जो भी हुआ उसके लिए दोषी उसकी बेटी कला ही है। सुधा कला को संभालने की पूरी कोशिश करती है, वो उसे पीने के लिए पानी देती है, जिसे कला हलूसिनेट करती है कि वो दूध है जो वो जगन को दिया करती थी। और वहाँ वो खुद को हलूसिनेट करती है और वो उस दूध में मर्क्यूरी डालती है जो वो जगन को दिया करती थी। कला जगन की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है और वो अपने साथ गलत करने की भी कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह उस पर काबू पा लिया जाता है। उर्मिला को बताया जाता है कि उसकी बेटी ने अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, इसलिए उर्मिला भागते हुए अगले दिन कोलकाता पहुंचती है। और डॉक्टर उसे बताते हैं कि कला की हालत बहुत खराब है, कला को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। लेकिन उर्मिला अपनी बेटी को अब अपने साथ घर ले जाना चाहती है। वो कला के कमरे में जाती है और देखती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी बेटी नहीं रही। जगन के साथ साथ वो अपनी बेटी को भी खो चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी से उतनी नफरत करती नहीं थी कभी। वो अपनी बेटी को याद करते हुए उसके रिकॉर्ड्स को निकाल कर अपने सीने से लगा लेती है, क्योंकि भले ही कला नहीं रही लेकिन उसकी आवाज हमेशा अमर रहेगी। और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई कला मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।